आज हमारे स्टूडियो में अकोला जिले की पहली महिला अपर पुलिस अधीक्षक। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है, खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। मैंने उनको बचपन से ही समाज सेवा करते देखा है। तो रमजान का महत्व कुरान में बयान किया गया है। कुछ दुविधाएं हैं जो हम आपकी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी दुविधाएं समय की। टीचर एक ऐसी प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। गो मैया है, विश्व की माता है। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात के सिटी जंक्शन स्पेशल इस सेगमेंट में। दर्शकों, सिटी जंक्शन स्पेशल में हमेशा हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं और स्पेशल गेस्ट भी आते हैं। आज भी हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो भी स्पेशल है, और जो चीज़ उनके पास है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपका आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो भी बहुत ख़ास चीज़ है। अगर आप पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं, दोनों के लिए ये चीज़, जो चीज़ आज हम आपके पास ला रहे हैं, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर हायर एजुकेशन तक करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या है ये चीज़? और जो मेरे साथ बैठे हैं वो हस्ती परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो दर्शक अदर स्टेट के देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि कौन है। तो मैं आपको अभी ज़्यादा देर न करते हुए, ज़्यादा उलझन में न डालते हुए आइए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ है SV लर्निंग के संस्थापक अध्यक्ष सर्वे सर्वा श्री धर्मेंद्र जी वखारिया। इन्हें हाल ही में एक्सीलेंसी इन इनोवेटिव लर्निंग इन इंडिया, यहाँ पर अचीवर अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि 94.3 FM द्वारा आयोजित किया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और आपको अभी जो अवार्ड मिला उसके लिए सिटी जंक्शन की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। दर्शकों को आप बताएं कि ये जो अवार्ड मिला है ये किस लिए आपको मिला है, पहले ये बता दें आप। ये अवार्ड हम एक इनोवेटिव चीज़ के लिए मिला है हिंदुस्तान में। वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में ऐसा ये पहला बॉक्स बनाया है हमने, जो पढ़ाई के लिए तो काम आता ही है, बाकी चीज़ों के लिए भी काम आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर पढ़ाई से कनेक्टेड हम बात करें तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये बॉक्स के जरिए आपका एजुकेशन जो ऑनलाइन चल रहा है आज की तारीख में, ये बहुत अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, कि इसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये जो बात है यही इसको इनोवेटिव बनाती है जी। आज आप किसी भी तरह की पढ़ाई करना चाहे, हर जगह सुनेंगे, पहली स्टैंडर्ड हो या फाइनल ईयर हो या PG वाले कोर्सेस हो, कहीं भी पढ़ाई हो, आप इंटरनेट के बिना पढ़ाई नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरनेट ऐसी ज़रूरत हो गई है कि ना हो तो दिक्कत, और हो तो वो इतना महंगा है कि हर कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता है, तो चाह के भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। इन सारी समस्याओं का समाधान ये स्मिथ बॉक्स जो हमने बनवाया है वही इसका सबसे बेहतरीन समाधान है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नए ज़माने का अलाउद्दीन का चिराग है जी। अलाउद्दीन का चिराग, जिस तरह अलाउद्दीन का चिराग घिसने से एक जीन प्रकट होता था और वो आपकी सारी विश पूरी करता था, उसी तरह का ये जीन है। जीन नहीं कहेंगे इसे, ये धर्मेंद्र जी का स्मित है जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हर नीड को पूरा करता है। क्या, कैसे, ये सब हम आपको इस चर्चा में बताएंगे। तो आप ध्यान से पूरी चर्चा को देखें, समझें, और नहीं समझ में आया तो नीचे नंबर भी चल रहे हैं, उस पर भी आप जानकारी ले सकेंगे। तो दर्शकों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम स्मिथ है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। ये ऑनलाइन होते भी ऑफलाइन है, ऑफलाइन होते भी ऑनलाइन है। ये सारा गड़बड़ घोटाला क्या है ये सर ही बता सकेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इनकी ही देन है। सर ये थोड़ा सा बताएं कि ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, क्या चक्कर है ये थोड़ा? देखो, एक तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाया गया ये ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट है। ओके। इसकी विशेषता यही है कि ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जो मोबाइल पे चलता है। अभी तक के आपने ऑनलाइन पढ़ाई में जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, उसको चलाने के लिए आपको टैबलेट चाहिए,
कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए। जी जी, ये पहला इंस्ट्रूमेंट है दुनिया का जो मोबाइल पे चलता है, टैबलेट पे चलता है, कंप्यूटर पे चलता है, इंटरनेट पे चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्कूल वाले अगर इसका उपयोग करना चाहे तो ये प्रोजेक्टर पे भी चलता है। और अगर आपके बच्चों को आप पर्सनल लर्निंग देना चाहते हैं तो आपके घर के स्मार्ट टीवी पे भी ये चलता है। कमाल है, यानी डिजिटल इंडिया हो रहा है, इतना डिजिटल हो गया है ये तो कोई करिश्मे से कम नहीं है। सर, इसकी कल्पना कैसे, क्या आपको सूझी, इसका आइडिया कैसे आया कि इस तरह कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत सालों से एक स्कूल चला रहा हूँ और काफ़ी सामाजिक कार्य में स्कूल बच्चों का एजुकेशन ही मेरी प्रायोरिटी रहा है। जी जी। तो इससे जरिए ही 5 साल पहले जब मेरा ध्यान में आया कि आज ऑनलाइन एजुकेशन ये फ्यूचर है, बच्चों को आज नहीं कल इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जी जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, कैसे दिया जा सकता है, उसका उपयोग क्या किया जा सकता है, इसकी खोजबीन मैंने शुरू की। 3 साल पहले एक कंप्यूटर एक के जरिए हमने पहली इसकी टेस्टिंग की, पहली लॉन्चिंग की। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की तैयारी की, बच्चों को पढ़ा करने की तैयारी की। पर जब हम लोगों ने ये लेना शुरू किया, एग्ज़ाम्स लेना बच्चों की या बाकी चीज़ों की तैयारी करवाना, तब 2 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में आई मुझे। एक कि इसको चलाने को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, दूसरा हर बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कितना भी टैलेंटेड हो, क्योंकि उसके पास टैबलेट नहीं, कंप्यूटर नहीं या लैपटॉप नहीं है। हर स्कूल जो ये पढ़ाना चाहती भी है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ऐसा कुछ करूँ कि ऐसी कोई साधन बनाओ जो इतना सुगम हो, सुलभ हो बच्चों के लिए कि वो हर बच्चा आसानी से उसका उपयोग कर सके, पर उसमें 2 चीज़ें बीच में ना आए, एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम और दूसरा इंटरनेट। तो ये 2 चीज़ों को दिमाग में रख के फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ 3 साल पहले। जी जी। जो आज स्मित के रूप में हम एक मुकाम तक पहुँचे हैं और बहुत जल्दी हम अब इसको लॉन्च कर रहे हैं। जी जी। लॉन्च होने के पहले ही ये प्रोडक्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और सिर्फ सिटी जंक्शन ये प्रोडक्ट आप तक के लेकर आया है, तो और क्या क्या खासियत है स्मित की, ये भी हम आपसे जानना ही चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए आपको जो बॉक्स की बात हम कर रहे हैं स्मित की वही बता देता हूँ। ये भी जादू से मेरे पास आ गया है। अब ये जादुई बॉक्स जो है स्मित, जिसका नाम है, ये क्या है, कैसे करता है, क्या क्या खासियतें रखता है? ये दिखने में एकदम पिरामिड की तरह दिखता है, इसे आप देख सकते हैं। सर, ये चार्ज भी होता है, चार्ज भी करना पड़ता है इसको? इसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपनाया गया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे एक कनेक्शन है। जी जी। यहाँ पे आपको एक सिंपल मोबाइल चार्जर पिन लगानी है, उस पिन को प्लग में कनेक्ट करना है। आप ऑन करते हैं स्विच और ये बॉक्स ऑन हो जाता है। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक लाइट दिखेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि इट इज़ वर्किंग। ओके। ये बहुत आसान तरीका है इसको ऑपरेट करने का, इसको किसी भी तरह की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, ये फुल चार्ज हमेशा ही रहता है। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है जो हमने बनाई है। क्या बात है, चार्ज ही नहीं करना पड़ता है, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए ये प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला है। सर, OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एजुकेशन भी है। जी। लेकिन ये पहला है भारत का जो ऑफलाइन OTT है। जी। वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, ऑनलाइन OTT में आपको क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पैसे भरिए, फिर वो चाहे मूवी हो, एजुकेशन हो या कोई और बात हो, न्यूज़ हो, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है। ये बॉक्स मान लीजिए हम कहीं भी पब्लिक प्लेस पे इसको लगा दूँ मैं, इसको लगाने के बाद इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए सबसे आसान तरीका है आपका मोबाइल। आप मोबाइल निकालिए, आपको ऑनलाइन नहीं जाना है, आपको ऑफलाइन ही रहना है। आप खाली इसको कनेक्ट करने के लिए आपके मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, मतलब इसको एयरप्लेन मोड पे डाल दे, एयरप्लेन मोड पे डाल दिया
तो फिर वो एजुकेशन हो, सोशल मीडिया हो या कोई और चीज़ों से कनेक्ट करना हो, पर आप जो नेट के थ्रू कनेक्टेड चीज़ें होंगी वो सारी बंद हो जाएगी। आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगा, आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे जब आप पढ़ाई करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि बीच में किसका कॉल आ जाता है जी, या नेट खत्म हो जाता है या डिस्टर्बेंस आते हैं, तो ये चीज़ें इसमें नहीं आएगी, ये ऑफलाइन है। लेकिन आपको कनेक्ट होने के लिए पहले आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ कनेक्ट होने के लिए। एक बार आप कनेक्ट हो गए तो आपको सीधा सीधा प्लेन मोड पे आपके मोबाइल से जाना है और सारा प्रोसीजर ऑफलाइन होगा। लेकिन ऑफलाइन होते हुए भी आप ऑनलाइन रहेंगे लेकिन एजुकेशन के लिए, और इसमें जो फैसिलिटी है चाहे फिर वो एंटरटेनमेंट हो या एजुकेशन, बात आज हम ज़्यादातर एजुकेशन की कर रहे हैं, इसमें कौन कौन के किस तरह के एजुकेशन इसमें पूरे कर सकते हैं? पहले मैं आपका एक करेक्शन कर दूं इसमें कि इसको ऑनलाइन खाली OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक मिनट लिंक टाइप करने के लिए ही लेना है जी, जी। बाकी सारा समय इसको ऑफलाइन ही लेना है। अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो एयरप्लेन मोड पे चले जाइए, सब कुछ स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर आपके वाईफाई पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वाईफाई पे क्लिक करेंगे आप स्मिथ बॉक्स का SV ऑनलाइन से कनेक्टेड दिख जाएंगे। आप स्मिथ ऑनलाइन बॉक्स से कनेक्टेड हो गए मतलब आप इससे जुड़ गए। अब इसके अंदर जितनी भी स्टडी मटेरियल है, इसमें स्टडी मटेरियल तीन फॉर्मेट में है, एक है नोट्स, दूसरा है क्वेश्चन आंसर्स और तीसरा है रिकॉर्डेड लेक्चर सब्जेक्ट वाइज। ये तीनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। आप जैसे ही ऑन करने जाएंगे आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी रजिस्टर होंगे उनको यूज़र नेम पासवर्ड पहले ही मिल जाएगा। वो जैसे ही वो यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे इसकी लिंक खुल जाएगी। लिंक खुलने के बाद लिस्ट में से वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो उसके लेवल का पढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला बच्चा जो है वो उसकी लेवल का पढ़ेगा, LLB वाला उसकी लेवल का पढ़ेगा, जज की एग्ज़ाम देना चाहता है वो उसकी लेवल का पढ़ेगा, और जिसको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है उसके लिए भी इसमें खजाना ही खजाना है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप एजुकेशन की किसी भी फील्ड में हो और किसी भी उम्र के हो, ये बॉक्स आपको हर तरह से काम आने वाला है। मुझे ये बताइए सर कि अभी सपोज़ मुझे LLB की एग्ज़ाम देनी है तो मैं इसकी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस पर मेरा चालू हो जाएगा? जी हाँ। साथ ही मेरा दोस्त है जो अन्य कोई और दूसरा कोर्सेज कर रहा है तो क्या वो भी इस पर कनेक्ट हो सकता है? 100% कनेक्ट हो सकता है। इसमें करीबन 120 अलग अलग तरह के कोर्सेज है, वो 120 कोर्सेज 120 बंदे एक टाइम में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इतना यूजेबल है कि इसको अगर हम एक जगह रख देते हैं चालू करके 100 बच्चे एक समय में इसका विविधता से उपयोग कर सकते हैं और किसी को भी बाधा नहीं आएगी। 100 लोग एक साथ में अलग अलग कोर्सेज स्टडी कर सकते हैं इस एक जादुई बॉक्स के तहत जो कि स्मिथ है। ये कोई जादू नहीं है, ये पूरा विज्ञान है, पूरा डिजिटल है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑफलाइन काम करता है लेकिन सारा काम ऑनलाइन होता है। जी हाँ, ना आपका इंटरनेट लगता है, और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं एजुकेशन के टाइम पे कि डिस्टर्ब बहुत होता है, किसका कॉल वगैरह जो भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले आपको प्लेन मोड पर डाल देना है, फिर वाईफाई ऑन करना है, और जिस तरह का एजुकेशन आप चाहते हैं, जिस तरह का फील्ड का हो, अलग अलग फील्ड का, चाहे बैंकिंग हो, वकील साहब आप बनना चाहते हैं तो आप LLB की भी इसमें कर सकते हैं, और रेलवे की भी, जिस तरह की भी आप एजुकेशन से रिलेटेड जिसके लिए आप अलग अलग जगह पे जाकर कोर्सेज करते हैं, वो सारे कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी नीड आपकी ये स्मिथ इंस्ट्रूमेंट पूरी करता है। और क्या खासियत है सर इसकी? देखिए, इसके पीछे का पहले उद्देश्य बता दूं मैं आपको। जी जी जी। कि ये 3 साल के सफ़र में एक चीज़ें बहुत और अच्छे से मुझे ध्यान में आई थी कि टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, साधन उनके पास नहीं होने की वजह से वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं ला सकते। जी जी। इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि दूर दराज के खेड़े में रहने वाला, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, ये वहाँ भी यूज़ हो सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मान लो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, वो भी सेल्फ चार्ज है। अरे बाप रे। आप इसको 6 घंटे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिक कनेक्शन के।
मतलब किसी दूर दराज के इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पे सरकार ये बोलती है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ना इसको बिजली चाहिए ना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपकी खाली जीजी विषा चाहिए पढ़ने की, अपने आप को निखारने की और अपना भविष्य बनाने की। यानी कि दुर्गम भागों में जहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चों के पास इंटरनेट नहीं होता है क्योंकि नेटवर्क नहीं आता है, वो सारी समस्याओं का भी समाधान ये करता है। इससे आप कॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग खुश हो सकते हैं कि अरे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं तो मैं कॉलिंग कर लूँ करके जी। तो दर्शकों मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत खासियतें रखता है, ये ऑफलाइन काम करता है सबसे पहली बात तो, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं सर। ये अभी अगर जैसे मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त अलग अलग डिब्बों में हैं जी, और ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, हाँ। तो क्या सभी इससे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए एक कंपार्टमेंट में करीबन 100 लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट होने को कोई दिक्कत ही नहीं है। और फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको जो देखना है, चाहे कोई कथा सुननी है, कोई मूवी देखनी है, कोई गाना देखना है, आप बस आपका मोबाइल निकालिए, एक मिनट के लिए इंटरनेट पे इसकी लिंक हम जो आपको देंगे वो लिंक डाल दीजिए जी जी, कनेक्ट कर लीजिए, आप कनेक्टेड दिख जाएंगे स्मिथ ऑनलाइन से। उसके बाद आप आपका इंटरनेट बंद कर दीजिए, आपका वाईफाई शुरू कर दीजिए, आप स्मिथ से कनेक्टेड रहेंगे। उसके बाद आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आपको कथा सुननी है, न्यूज़ देखने हैं, गाने सुनने हैं या मूवी देखनी है, आप सिलेक्ट कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल में इसका आनंद लीजिए। तो ये देहातों के लिए भी एक वरदान है, कॉलेजेस भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलेज में भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए हमने इसको बनाया इस तरीके से है, हम इसको इस तरीके से रखने वाले हैं कि कॉलेजेस को भी ज्वाइन करना है, स्कूलों को भी ज्वाइन करना है, कोचिंग क्लासेस, उसके अलावा कोचिंग क्लासेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी एक छोटे गांव में रहते हैं जी जी, और आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि आप बच्चों के एजुकेशन में कुछ मदद करें, तो हमने इसका एक फ्रेंचाइजी मोड बनाया हुआ है, आप हमारे से एग्रीमेंट कर दीजिए, फ्रेंचाइजी मोड का जो यूटिलाइजेशन है उसके ज़रिए हम आपको ये बॉक्स प्रोवाइड करेंगे, आपको बस एक 15-20 चेयर्स लगाने की जगह चाहिए, आप इस बॉक्स को कनेक्ट कर दीजिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक नॉमिनल जो भी फीस है वो फीस उससे लीजिए, और इस फीस में से भी हम उचित हिस्सा आपको वापस करेंगे ताकि ये आपके भी घर चलाने का जरिया बने। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जो आजू बाजू के गांव तक जा नहीं सकते ट्यूशंस के लिए, वो भी इसका लाभ ले, इससे बच्चों को भी फायदा है, पेरेंट्स को भी फायदा है, इनके शारीरिक मानसिक और आर्थिक सभी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा जी जी, जी। क्योंकि जहाँ 100 रुपये लगते हैं वहाँ आपको 10 ही रुपये लगेंगे जी जी। तो हम इस तरीके से हर उस सामान्य आदमी तक पहुँचना चाहते हैं जो अपनी प्रतिभा को निखार के अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी और समाज में योगदान देना चाहता है। मैं सब इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम किसी भी तरह से आपके उपयोग में आ सकते हैं, आप आइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, हम हर तरीके से आपकी मदद करने को तैयार है, हम आपके लिए ही है, आप भी हमारे लिए है, बस इसी सूत्र को याद रख के ही ये सारा कुछ करना है, हमें देश आगे बढ़े, आप लोग आगे बढ़े और सब कुछ सही हो जाए जी। इसकी आप फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं, जिसके लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, आप सीधे सर से बात कर सकते हैं। आपको बता दें दर्शकों कि एजुकेशन से रिलेटेड हर ज़रूरत, आप चाहे बैंकिंग कर रहे हो या पोस्ट ऑफिस की एग्ज़ाम दे रहे हो या तलाटी की दे रहे हो, तहसील की दे रहे हो, कलेक्टर बनना है, IAS बनना है, जो भी आपको करना है सारी चीज़ें ये आपकी पूरी कर देता है। आप इसमें एग्ज़ाम सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं जिसके रिजल्ट्स भी हाथों हाथ आपको मिल जाएंगे, वो थोड़ा दर्शकों को आपकी तरफ बताएं। मान लीजिए इसमें जो एग्ज़ाम पेपर है वो अगर आप देते हैं, और ये इसलिए है कि आप आपकी पढ़ाई की परीक्षा खुद ले सकें, पढ़ाई की परीक्षा लेने के बाद आपको एक मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर रिजल्ट मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट एनालिसिस होंगी, आपने कितने क्वेश्चंस दिए हैं, कौन से सही थे, कौन से गलत थे, आपको कितने मार्क मिले हैं, और आखिर में आपको इसके सही उत्तर भी दे दिए जाएंगे।
ताकि आप वो गलतियां वापस ना करें पढ़ाई करते वक्त, जिसकी वजह से पहली बार आपको मार्क कम आए हो। जी जी। और मान लीजिए 25 बच्चे, 50 बच्चे या 100 बच्चे एक ही पेपर एक ही समय पे देते हैं, तो आपको आपकी रैंकिंग भी मिल जाएगी कि आप एक नंबर पे है, 20 पे है, 50 पे है या 100 पे है। तो आप इसका बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को निखार सकते हैं। आप आइए, बस 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 जुड़िए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही है। सीधे सीधे आपको नोटिस मिल जा रही है, यहाँ पे नोट्स मिल जा रहे हैं, आप ऑनलाइन लेक्चर भी सुन सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आप डायरेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप समय समय पे हम ऑनलाइन टीचिंग भी देने वाले हैं और ऑनलाइन आपके प्रश्नों का निराकरण भी करने वाले हैं। यानी आप भूलिए कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, आपकी हर ज़रूरत पूरी हो रही है। सिर्फ बस विश कीजिए कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये बनना है, वो सारा का सारा एजुकेशन से रिलेटेड वो सब आपका ये पूरा कर देगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ये सिर्फ आपको पढ़ाई करवाने में करेगा, दूसरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये बात तो सही है सर? जी हाँ, मेहनत हर जगह लगती है। जी जी जी। और वो अपनी ही चाहिए सर, ये आपकी मेहनत ही है ना, से नहीं होता है ये। जी जी। तो जी, हमारी मेहनत को भी सफल आप लोग ही बना सकते हैं। इसको सही करना है, सफल करना है, तो आइए, हम मानते हैं कि ये क्रांति है। अगर आप भी मानते हैं ये क्रांति है, तो आइए इस क्रांति से जुड़िए और समाज की प्रगति का हिस्सा बनिए। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं या चाहते हैं कि एजुकेशन हर स्तर तक पहुँचे, गाँव पहुँचे, और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, सामाजिक दायित्व निभाना चाहते हैं, वो भी लोग एक फ्रेंचाइजी लेकर ये चीज़ें एजुकेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ एक अर्निंग भी कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा वो सामाजिक कार्य कर सकें, उसके लिए भी वो निधि को आप यूज़ कर सकते हैं। बात सिर्फ 100 बात की एक ही है कि ये एक चीज़ है जो आपके 200 के लगभग कोर्सेस की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। चाहे फिर आपको नोट चाहिए, एजुकेशन ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, रिकॉर्डेड भी सर इसमें कुछ? जी हाँ, रिकॉर्डेड के बारे में तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसी में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात जो हमने रखी है इसमें ना, कि आप फीस एक कोर्स की भरेंगे। फॉर्म में आप भरते वक्त कोई भी एक कोर्स का नाम लिख सकते हैं कि मुझे इसकी एग्ज़ाम देनी है, उसकी तैयारी करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब आप अंदर आएंगे क्लास में और पढ़ाई शुरू करेंगे ना, तो इसमें जितने कोर्सेस अवेलेबल है वो सारे के सारे आप उपयोग कर सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं MScIT भी एक सादा सा कंप्यूटर का कोर्स लगाने जाता हूँ, तो मुझे फीस उसकी देने के बाद सिर्फ एक वही कोर्स करने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप एक कोर्स का भी एडमिशन लेते हैं, तो इसमें जितने भी 200 कोर्सेज हैं वो सारे के सारे, जी हाँ, सारे के सारे आप उसी फीस में पूरे कर सकते हैं। एक टाइम लिमिटेशन रहेगा उसका, उस टाइम लिमिटेशन में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, क्योंकि उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ यही है, एक ही मकसद है कि एजुकेशन को हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक पहुंचाना है। इसके लिए तीन साल का कठिन परिश्रम सर ने किया है। हर ज़रूरतों को बारीकाई से निरीक्षण करने के बाद ही ये स्मित आज अलादीन के चिराग की तरह हमारे लिए मौजूद हैं। सर, और कुछ खास हो तो आप बता दें दर्शकों को। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग हर तरह से बच्चों के एजुकेशन के लिए मदद करने को तैयार है। अगर सामाजिक संस्थाएं जुड़ना चाहती है तो उनका भी स्वागत है। उद्देश्य बस इतना ही है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जी जी। इस बात को ध्यान में रख के ही जो भी कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज़ के लिए, और हम तो चाहते हैं कि ये बसों में, रेलवेज में, सब जगह पर ये बॉक्स लग जाए, ताकि जो लोग फिल्में देख रहे हैं उससे बेटर है कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें अगर वो करें, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। सारी मैं बोल के आ रहा हूँ, एक जैसे चिराग होता है, सारी विश पूरी करता है, सारा का सारा रिक्वायरमेंट आपका पूरा करता है। इसको और अधिक अगर आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि ये जो नंबर चल रहे हैं, आप सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही में जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ही कॉल करें। सिर्फ टाइम पास के लिए कॉल करके सर का और आपका समय आप व्यर्थ ना करें, ये भी मैं आपके तरफ से बोल दे रहा हूँ सर। हमारे सर, जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें? जिंदगी में एक बात याद रखिए, हारना मना है। तैयारी रखिए,
जीत नहीं रह सकती दूर आपसे, पर हारना मना है, इस सूत्र को अपना लीजिए। बस इतना ही कहना है, जिंदगी हमारी है, जीत भी सकते हैं और जीतते ही है, अगर हम ये मान ले कि हारना मना है। सर एक मैं एक बात आपको याद दिला दूँ, बीच में हम एक बार मिले थे, आपने एक बहुत प्यारी बात कही थी, मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रही, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स आ रहे थे कि ये आपका ही है, आपके लिए ही करेगा, ऐसा कुछ तो भी आपने बताया था एजुकेशन से रिलेटेड कुछ, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सर देखिए, मेरा बोलना इतना ही है कि ये इनोवेशन के पीछे नाम भले मेरा दिया जा रहा हो, लेकिन इसकी प्रेरणा आप है, इसके साधक भी आप है और इसकी साधना भी आप है। ये बात मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, और ये बात अगर सब कुछ समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हिंदुस्तान क्या नहीं कर सकता, हिंदुस्तान बहुत कुछ कर सकता है। जी, तो चलिए सभी भारतवासियों के लिए एक तोहफा एक तरह से, और खुशी की बात ये है कि ये ऑनलाइन है, लेकिन आप इसे ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। इसे चार्ज नहीं करना पड़ता, इसकी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती है, सिर्फ एक बार आपको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करना है, और जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पर भी ये 6 घंटे तक लगातार वर्क करता है और बहुत कुछ आपको देता है। तो बस एक कदम आपको बढ़ाना है स्मित की ओर, और स्मित आपकी सारी विश पूरी कर देगा। तो ये एक अलादीनी रूपी चिराग आपके लिए मौजूद है, और बाकी डिटेल्स तो सर ने दिए, और दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय वेरी मच इतना मौका देने के लिए और इस बात को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरह से तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, और सारे लोगों के जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए काम कीजिए। जी जी, बस वही कर रहे हैं सर, आप लोगों का आशीर्वाद और साथ, और हमारे दर्शकों का प्यार आशीर्वाद हमें हमारे साथ है, यही चीज़ है कि आज सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात, हर एक को लगता है कि अपना चैनल और अपनी बात करता है जी, हाँ। और हम उसी के माध्यम से ये भी बात आप तक पहुँचा रहे हैं। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ, सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात।